हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये बहुत सारा कंफ्यूजन है कि कैसे इंटरफेस होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है तो उनके मन में ये डाउट्स हैं कि कैसे इंटरफेस होगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस कंप्यूटर में पूछे जाएंगे, कैसे आपको आंसर पुटअप करना है। तो सभी डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको पूरा इंटरफेस दिखाने वाली हूँ कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का इंटरफेस कैसा होता है। और साथ ही साथ हम पेडागॉजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम से रिलेटेड है, यानी जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे, जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ आपके सामने एक कंप्यूटर होगा, जहाँ सबसे पहले आपका जैसे टाइम स्टार्ट हो जाएगा आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे जिसे आपको रीड करना है केयरफुली, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद एक और इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको अलाउ करना है, यानी यहाँ आपको राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ एक और बटन ओपन हो जाएगी जिसमें मेंशन होगा कि आई एम रेडी टू बिगिन। फिर उसके बाद यहाँ आपको क्लिक कर देना है, फिर आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, यहां आप देख सकते हैं एक तरफ आपके क्वेश्चंस दिए होंगे, दूसरी तरफ आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिख रहा होगा, यहां आपकी फोटो मेंशन होगी और यहाँ क्वेश्चंस दिए होंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, कितने क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हुए हैं। लैंग्वेज का भी ऑप्शन होगा, यानी यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी, जिसमें भी आप क्वेश्चन रीड करना चाहें। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि टाइम आपका चल ही रहा है, यानी टाइमर आपका चलता रहेगा। टोटल आपको 2.5 घंटा मिलता है, जिसमें आपके 30-30 मिनट होते हैं। ये पेपर फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी पेपर फर्स्ट का मैंने लिया हुआ है, तो 30-30 मिनट्स 5 सब्जेक्ट के होते हैं, तो यहाँ आपका 2.5 घंटा बन जाता है। तो यहाँ आपका टाइमर ऑन होता है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ सारे सब्जेक्ट दिए होते हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, यानी यहाँ आपका फर्स्ट लैंग्वेज है, यहाँ सेकेंड लैंग्वेज है इन्वायरमेंटल स्टडीज, मैथमेटिक्स एंड पेडागॉजी। तो हम पेडागॉजी के सब्जेक्ट, पेडागॉजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इस वजह से मैंने पेडागॉजी को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से आप स्किप करके अदर सब्जेक्ट में भी जा सकते हैं, यानी अगर आप मैथमेटिक्स के सॉल्व करना चाहें पहले, तो यहाँ ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैथमेटिक्स क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि आप ये 31st क्वेश्चन है, अब आप चाहते हैं कि आप लास्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप 44 नंबर क्वेश्चन करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ सारे मेंशन है। जैसे ही आप 44 नंबर क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने 44 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। ये देखिए 44 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है, और यहाँ से हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट आराम से जा सकते हैं। तो फिलहाल पेडागॉजी पे फोकस करते हैं, क्योंकि पेडागॉजी ही हमारा सब्जेक्ट है, यानी इस वीडियो में हम पेडागॉजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के कई सारे प्रिंसिपल होते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। तो ये सभी प्रिंसिपल में से ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, जिसमें जो ये सजेस्ट करता है कि जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट रेट्स से वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में बढ़ते हैं, यानी इंक्रीमेंट होते हैं। अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में भी रीड कर लेते हैं, तो हिंदी में दिया हुआ कि कौन सा नियम, यानी डेवलपमेंट का कौन सा ऐसा नियम है जो ये सजेस्ट करता है कि शरीर के विभिन्न अंग जो हैं हमारे, वो विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न दरों से विकसित होते हैं। ऑप्शन आपके पास, विकास एक आयामी होता है, यानी कि यूनिडायमेंशनल बोल रहा है कि जो आपका डेवलपमेंट होता है वो यूनिडायमेंशनल होता है, जबकि डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल है उसमें ये दिया हुआ है कि जो आपका डेवलपमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, तो ये गलत हो जाएगा। विकास एक दिशाई होता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है, ये भी गलत है, क्योंकि हम प्रिंसिपल में पढ़ते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, तो यहाँ ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा।
विकास एक असतत प्रक्रिया है यानी डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये बच्चे के गर्भ यानी गर्भ में आने से लेकर बच्चे के ये गर्भ से लेकर कब्र तक जाता है। डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी कंटिन्यूअस पूरी लाइफ टाइम चलता रहता है डेवलपमेंट, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर लास्ट वाला है कि विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है, यानी कि जो आपकी विकास की डेवलपमेंट की डायरेक्शन होती है उससे सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल होती है। तो ये आपका एकदम सही है कि पहला अगर हम सेफेलोकॉडल की बात करते हैं तो सेफेलोकॉडल यानी शीर्षगामी में हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सर से पैर की तरफ होता है, एकदम सही बात है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है बॉडी का, यानी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है बॉडी का, वो सेंटर से बाहर की तरफ होता है, यानी पहले बच्चा क्या करता है, बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करता है, फिर छोटी मसल्स का इस्तेमाल करता है, पहले किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे हाथों का इस्तेमाल करता है, फिर धीरे 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 वो अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल करने लगता है। तो यहाँ आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा जिसमें दिया हुआ है कि लॉरेंस फॉलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है, यानी जो मोरल डिसीजन बच्चे लेते हैं वो किस बेसिस पे लेते हैं 7-8 साल के जो बच्चे होते हैं। ऑप्शन है आपके पास सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। छोटा बच्चा है 7-8 वर्ष का, उसे सामाजिक व्यवस्था के बारे में नहीं पता, यानी कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं मेरे डिसीजन सामाजिक व्यवस्था को कहीं इफेक्ट तो नहीं करेंगे, सोशल जो आपका अरेंजमेंट है वो बना रहे, ये सब चीज़ें वो फोकस नहीं कर पाएगा क्योंकि छोटा बच्चे की बात कर रहे हैं। छोटे बच्चे को हम कैसे सिखाते हैं, उसे हम ये सिखाते हैं कि कोई भी अगर आपको आज्ञा दी जाती है यानी आपको कुछ भी सजेस्ट किया जाता है तो आप उसे माने, वरना आप नहीं मानेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा क्योंकि 7-8 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, उसमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं है कि वो नैतिक सिद्धांतों के बारे में पढ़े या उनके बारे में जाने या उनको फॉलो कर पाए। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, या फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जिसमें पूछा गया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन आपके पास वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिपेक्ष लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, या स्थानों जैसे अपने विद्यालयों का स्थान की मानचित्रण करने की क्षमता। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम रीड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कमेंट करके बताइए, लेकिन फिर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ जो आपका ये ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे फोकस करते हैं। इसे पूछ रहा है कि लेव वायोत्स्की ऑफर्ड थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि लेव वायोत्स्की ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी प्रोवाइड की है वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है, किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे दिया हुआ है, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो सामाजिक संरचना पर आधारित है इनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है, अगर आपने इनका पढ़ा हुआ है तो आपको अच्छे से याद होगा। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता, यानी अगर एक प्रोग्रेसिव क्लास है तो उसकी कौन सी करेक्टरिस्टिक होगी। ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, बिल्कुल भी नहीं। जो आपकी एनईपी है वो इस बात पर फोकस नहीं करती है कि आप बच्चे को प्रैक्टिस कराएं और अब ड्रिल और प्रैक्टिस पर डिपेंड रहें। उसे आपको क्या करना है, क्वेश्चंस देने यानी क्वेश्चंस पूछने की जिज्ञासा बढ़ानी, क्यूरियोसिटी बढ़ानी कि बच्चा इंटरेस्टेड हो क्लास में। यहाँ ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है योग्यता आधारित स्थायी लगाओ, ये भी गलत है। योग्यता सिर्फ हो सकता है कोई बच्चा अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पा रहा हो, अच्छे से ना लिख पा रहा हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो योग्य नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सहयोगिता पूर्ण अधिगम, ये एकदम सही है। जो आपका एनईपी है ये इस बात पे फोकस करता है कि जब हम यानी कि ग्रुप में कोई बच्चा स्टडी करता है तो वो और अच्छे से लर्निंग कर पाता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन आपके पास शैशव अवस्था यानी इन्फेंसी, प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड,
और उसके बाद किशोरावस्था एडोलेसेंस, तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? यह आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा क्या क्या होता है, कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो यहाँ आपका सी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है, यानी एक ऐसा बच्चा है जिसे देखने में तकलीफ होती है, जो प्रॉपर तरीके से नहीं देख पा रहा है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो इनमें से कौन सी सामग्री है जो उसके लिए लाभदायक नहीं है? पहला आपके पास स्पर्श ग्लोब, ये तो सहायक सामग्री हो जाएगी, स्पर्शिक यानी स्पर्श करके वो समझ पा रहा है चीजें, उसके लिए बेनिफिशियल है। छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें ये उसके लिए लाभदायक नहीं होगी, क्योंकि एक तो वो देखने में असमर्थ है यानी उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद अगर उसे छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें प्रोवाइड कर दी जाएंगी तो उसे और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और भी ज्यादा प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो यह आपका इस क्वेश्चन के बिहाव पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसमें पूछ रहा है कि अ चाइल्ड हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स। द चाइल्ड हैज यानी किस प्रकार की उसमें एबिलिटी है, क्या मतलब कि जो उसमें इंटेलिजेंस है, किस प्रकार का इंटेलिजेंस है, वो दूसरे के इमोशंस को, इंटेंशंस को, डिजायर्स को समझ पा रहा है, तो उसके अंदर किस प्रकार की इंटेलिजेंस है? स्पैटियल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो दूसरों की बात की जा रही है, यानी बच्चा अपनी तो समझ ही पा रहा है, जब अपनी की बात करें यानी सिंगल पर्सन की बात करें तो वहाँ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हो जाती है, लेकिन अगर उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएं, दो से अधिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो वो आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो जाती है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप रिलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोवर्सिटिक क्लासरूम, यानी कि जो आपकी संरचनावादी अच्छा होती है उसके क्या अभिलक्षण है? ऑप्शन आपके पास, अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेट होना चाहिए। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है, कभी भी एनईबी के अकॉर्डिंग आपको रोट मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करना है। तो अगर आपको रोट मेमोराइजेशन कहीं भी दिख जाए, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, रोट मेमोराइजेशन, तो ये सब निगेटिव वर्ड्स हैं, इनको आपको देख के ही समझ जाना है कि ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, बिल्कुल करना चाहिए अगर संरचनावादी कक्षा है तो, यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन की जो क्लास है उसमें बच्चों के पिछले अनुभव, यानी जो उन्होंने पिछला ज्ञान या नॉलेज जो अटेन की है, जो उनके पास एक्सपीरियंस है, उसको नई नॉलेज के साथ, न्यू नॉलेज के साथ रिलेट करके हम एक न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट कर सके और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि जेंडर भूमिकाएं हैं, यानी जो आपका जेंडर रोल्स होते हैं वो किस प्रकार का बिहेवियर है? लर्न्ड बिहेवियर, इमेड बिहेवियर, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस या जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेंडर रोल्स आपके लर्न्ड बिहेवियर के अंदर आते हैं, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि द प्राइमरी गोल ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज, यानी जो आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है उसका प्राइमरी गोल क्या है, प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस, कंपेयर की कभी भी बात आ जाए, ये निगेटिव वर्ड्स हैं, इनको देख के ही समझ जाना है कि ये ऑप्शन गलत है, यानी आपका ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द क्यूरिकुलम एंड पेडागॉजी फॉर स्टूडेंट, ये हो सकता है। टू असाइन रैंक्स टू स्टूडेंट एज पर देयर परफॉर्मेंस, बिल्कुल भी नहीं, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, बच्चे की परफॉर्मेंस के बिहाफ पे उसको रैंक प्रोवाइड करना ये एनईपी नहीं मानता है। फिर उसके बाद कह रहा है टू डिक्लेयर स्टूडेंट एज पास और फेल इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पास और फेल की भी बात एनईपी नहीं करता है। तो ये कीवर्ड्स कहीं भी आपको दिख जाए तो आपको समझ जाना ये ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें से जो आपका बी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। फिर कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज दैट, यानी कि जो आपकी समावेशी शिक्षा होती है वो किससे रिलेटेड होती है, यानी उसमें क्या क्या आ जाते हैं। तो समावेशी कक्षा की अगर हम बात करते हैं, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की
जब हम बात करते हैं तो उसमें सभी प्रकार के बच्चे आ जाते हैं, चाहे वो एबल्ड हों चाहे वो डिसेबल्ड हों, यानी जो नॉर्मल चाइल्ड है वो भी इन्वॉल्व होता है, जो नॉर्मल चाइल्ड नहीं है जिन्हें कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी सभी का ग्रुपिज्म होता है, यानी सभी बच्चे को हम लेकर चलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो यहाँ देखिए कौन सा सही हो जाएगा। पहला कह रहा है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा भी मेड अवेलेबल ओनली गवर्नमेंट स्कूल, इसमें पर्टिकुलर की बात कर रहा है तो पर्टिकुलर वाला नहीं होगा, इसमें दोनों बच्चे हो जाएंगे। ओनली की कहीं बात करें ये भी आपके निगेटिव की वर्ड्स हैं, यानी ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ओनली यहाँ भी आ गया, यानी ये भी नहीं होगा, आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑल चिल्ड्रन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज बी प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन, ऑल चिल्ड्रन यानी सभी बच्चों की बात कर रहा है चाहे वो एबल हो या डिसेबल्ड हो, तो यहाँ आपका इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाइल टीचिंग अ टीचर शुड यूज अ वैरायटी ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग, एकदम सही बात है। किसी भी टीचर को पढ़ाते वक्त डिफरेंट टाइप्स के जो मॉडल्स हैं या डिफरेंट टाइप्स के जो कॉन्टेक्स्ट हैं उन्हें यूज करना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके, किसी भी चीज को अच्छे से रिलेट कर पाए। फिर उसके बाद कह रहा है कि टीचर्स नीड टू अडॉप्ट देयर पेडागोजी टू सूट द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर, ये भी सही है, यानी पहला ऑप्शन भी सही है, पहला जो आपका स्टेटमेंट दिया वो भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पहला स्टेटमेंट जो है उसका जो क्लियर एक्सप्लेनेशन है वो सेकेंड ऑप्शन कर रहा है, यानी आपका यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग, कहीं भी राइटिंग में डिफिकल्टी अगर बच्चा फेस कर रहा है, लिखने में प्रॉब्लम्स उसको क्रिएट हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि उसे डिसग्राफिया की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर मैथ के कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो उसे डिसकैलकुलिया है, अगर उसे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो डिसग्राफिया है। यहाँ आप ग्राफ से रिलेट कर सकते हैं, ग्राफ मतलब फिगर या लिखना हो जाता है, तो यहाँ आप लिखने से इसको रिलेट कर सकते हैं, आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ डिसग्राफिया आपका हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स, बिल्कुल सही बात है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होता है, यानी वो सोशल कल्चर दोनों से रिलेटेड होता है, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, तो बाकी हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, अगर पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है और यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा है आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि थिंक इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई सोशल इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल गलत है। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोलली डिटरमाइंड बाई जेनेटिक्स, सोलली जो वर्ड है ये भी निगेटिव की वर्ड्स है, इसे भी आपको याद रखना है, जहाँ ये मेंशन हो वहां आपको क्वेश्चन को देख कर ये रीड कर लेना है कि ये सही होगा या नहीं होगा, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड, यानी अगर हम हिंदी की बात करें तो कह रहा है कि अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण या परिपक्वता, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैच्यूरेशन, जिसे इंग्लिश में मैच्यूरेशन कहते हैं और इंग्लिश में परिपक्वता कहते हैं, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, रटन आधारित, बिल्कुल भी नहीं, रटन आधारित हम यानी रोट मेमोराइजेशन का जो भी कीवर्ड्स अगर आपको देखने को मिल जाए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, तो ये आपका सही नहीं है, पेपर पेंसिल आधारित ये भी सही नहीं है। फिर कह रहा है कि मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि जो पहले से आपके जो असेसमेंट के टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है, हम न्यू मेथड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि यूज अ वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेस इन मीन ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि व्यू ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन दैट टैंजिबल इंसेंटिव्स एंड रिवार्ड्स मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग, यानी इनमें से कौन सा ये एक्सप्लेन करता है कि जो रिवार्ड्स होते हैं या इंसेंटिव्स होते हैं वो बच्चे को स्टूडेंट को लर्निंग के लिए मोटिवेट करते हैं, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बिहेवियरल, यानी जो आपका व्यवहारवादी सिद्धांत है वो इस बात के लिए
इस बात को कहता है कि जो बच्चा होता है वो मोटिवेट होता है रिवार्ड से लर्निंग के लिए, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि एज पर कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस चिल्ड्रन, स्पेसिफिक माइलस्टोन्स आर डेफिनेटली अचीव्ड बाय ऑल चिल्ड्रन एज दे रीच अ सर्टेन एज, मल्टी डायरेक्शनल सिंस चिल्ड्रन ग्रो अप इन वेरिंग कॉन्टेक्स्ट। यानी आपका यहाँ देखा जाए तो बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, जो बच्चा है वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में बड़ा होता है, ग्रो अप होता है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, चाइल्ड डेवलपमेंट कैसा होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, सिंस चिल्ड्रन ग्रो अप इन वेरिंग कॉन्टेक्स्ट, यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रोही इज शोन थ्री पेंसिल एज एंड सी ऑब्जर्व दैट पेंसिल ए इज लॉन्गर देन पेंसिल बी एंड पेंसिल बी इज लॉन्गर देन पेंसिल सी, व्हेन रोही इन्फर्स दैट ए इज लॉन्गर पेंसिल देन सी, व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द डेमोन्स्ट्रेटिंग। यानी कि जीन पियाजे के डेवलपमेंट के कौन से उसको ये फॉलो कर पा रहा है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी हुई जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसके बिहाफ पे जो रूही है वो किसको फॉलो कर पा रही है, सेरिएशन को, कंजर्वेशन को, ट्रांजिटिव थॉट को, या हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग को। तो यहाँ क्या है, वो एक रीजनिंग इस्तेमाल कर रही है, लॉजिक इस्तेमाल कर रही है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रांजिटिव थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टीचर वांट्स टू डिजाइन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन हर क्लासरूम ऑन लेव व्यवस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड सी अवॉइड, यानी उसे क्या अवॉइड करना चाहिए, वो लेव व्यवस्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल को फॉलो करना चाह रही है, तो उसे क्या अवॉइड करना है ये आपको फाइंड आउट करना है। डिजाइन टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, क्लोजली ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट अटेम्प्ट ऑफ लर्निंग, बिल्कुल सही है, यूज ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्डाइज टेस्ट टू असेस लर्निंग, ये उसे अवॉइड करना है, यानी कि जो पहले से टेस्ट बनाए गए हैं कि नहीं आपको इसी बेसिस पे चाइल्ड को, यानी बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, उसको एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना है, उसे उसे फॉलो नहीं करना है, यानी हो सकता है जो पहले से रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हों वो सही ना हो। टीचर का काम है नए वेज को फाइंड आउट करना ताकि वो बच्चे के एबिलिटी को और इंक्रीज कर सके, जो उसकी टीचिंग यानी लर्निंग एबिलिटी है। यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ निगेटिव बात कर रहा है और ये भी निगेटिव की बात कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ टीचर फैसिलिटेट इन सपोर्ट हर स्टूडेंट टू वर्क ऑन मल्टीपल ड्राफ्ट फॉर एन एशे, हिंदी में इसे रीड करते हैं, इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। मैं कह रहा है कि एक शिक्षक एक महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है, यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में देखता है और सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे। देखिए यहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही असेसमेंट किया जा रहा है, जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान असेसमेंट किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। लेकिन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एंड में जो आपका असेसमेंट किया जाता है वो आपका समेटिव असेसमेंट होता है, तो यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की जा रही है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, इंग्लिश में आप देख लीजिए यहाँ आपका फॉर्मेटिव दिया हुआ है, यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 के अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी होना चाहिए, बी फोकस्ड ओनली, ओनली की बात कर रहा है, यानी कि ये सही नहीं है, ओनली निगेटिव कीवर्ड्स में आ जाते हैं, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल सही बात है, NEP आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करती है, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स, ये भी सही है, बी इंक्वायरी ड्राइवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड, ये भी एकदम सही है, यानी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आपका सही है, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि ए टीचर टू टीच अ कॉन्सेप्ट, अ टीचर इज गिविंग मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड सब्सिक्वेंटली आस्क स्टूडेंट टू फॉर्म अ रोल कंसिडरिंग द इन्फॉर्मेशन, यानी एक टीचर है जो बच्चों को कई सारे एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहा है और उसके बाद उससे कह रहा है स्टूडेंट से कि इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए, एनालाइज करते हुए आप एक रोल को फॉर्म कीजिए, तो ऐसा टीचिंग क्या कहलाता है, इंडक्टिव टीचिंग मेथड होता है, ये टीचिंग मेथड आपका इंडक्टिव टीचिंग मेथड होता है, जिसमें पहले बच्चे को एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं
एग्जाम्पल्स के थ्रू ही रूल को फॉर्म किया जाता है, तो यहाँ आपका इंडक्टिव सही हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में से कौन सा कथन प्रस्तावित है, कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, बिल्कुल नहीं। विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी नहीं है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होना एक उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, ये एकदम सही बात है, यानी कि जो भी बच्चा है वो अगर मल्टी लैंग्वेज क्लास में अगर डाल दिया जाता है तो उसका कॉग्निटिव बेनिफिट्स ही होता है, उसे हम निगेटिव एस्पेक्ट में नहीं ले सकते हैं एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे टू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट ऐसा है, कौन सी तकनीक ऐसी है जो छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना सबसे इफेक्टिव मेथड है कि आप बच्चों को यानी कि ग्रुप डिस्कशन कराएं, यानी उन्हीं के जो स्टूडेंट्स के जो पीयर ग्रुप है उसमें उनका डिस्कशन कराएं अपने ही सहपाठियों के द्वारा, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड होता है, तो यहाँ आपका एकदम सही हो जाएगा। यानी यह निगेटिव पूछ रहा है तो इसके भी यहाँ पे ये गलत होगा। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार विमंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना एकदम सही है। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना ये भी सही है। हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना ये एकदम गलत है। यानी जो पहले से मेथड्स चले आ रहे हैं जरूरी नहीं कि उन्हीं मेथड्स पे हम न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करें, हम एक न्यू मेथड भी फॉर्म कर सकते हैं, तो ये निगेटिव है, निगेटिव ही पूछ रहा है, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखिए कि पॉजिटिव में पूछ रहा है या निगेटिव में पूछ रहा है, पता चला कि निगेटिव में क्वेश्चन पूछ रहा है आपने पॉजिटिव में आंसर दे दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है, यानी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है, बच्चे अगर गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। अधिगमकर्ता के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक बात है, बिल्कुल नहीं, लर्नर्स है, गलतियां कर रहा है तो गलतियां करके सीखेगा, इसमें कोई लज्जाजनक बात नहीं है, तो यहाँ आपका निगेटिव की बात कर रहा है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है, यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल्स कौन सा है। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न सोर्सों की सहायता लेता है। नगद इनाम पाने हेतु रियान एक परियोजना के लिए विभिन्न सोर्सों से खोज करता है, ये एकदम सही है, ये आपका बाह्य यानी एक्सटर्नल बिहेवियर का एक्सटर्नल मोटिवेशन का पार्ट हो जाता है। यानी क्या करता है रेहान, वो नगद इनाम पाने के लिए नए नए सोर्सों की खोज करता है, इंप्लीमेंट करता है, एक्सप्लोर कर रहा है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि COVID-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, ये निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। प्रतियोगिता और संज्ञान, संज्ञान और संवेग, अनुवांशिकता और निष्पादन या अनुवांशिकता और वातावरण। और जो आपका COVID-19 था उसका हेरिडिटी से कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से आपका ये लास्ट के दो ऑप्शन एकदम गलत हो जाएंगे। फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है, कॉग्निशन एंड इमोशन से इसका रिलेशन है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव व्हेन इट इज मेजोरली टीचर डायरेक्टेड, डायरेक्टेड बाय पीयर्स, टेक्स्ट बुक सेंट्री, सेल्फ डायरेक्टेड। कोई बच्चा अगर सेल्फ से नई नई चीजें एक्सप्लोर कर पा रहा है, नई चीजें सीख पा रहा है, तो ये लर्निंग का मोस्ट मीनिंगफुल मेथड है और इफेक्टिव मेथड है, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका नेक्स्ट आ जाएगा, यानी नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ पेडागॉजी के सॉल्व करने थे। लास्ट में जब आप सभी सॉल्व कर लें, यानी जब भी आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं, तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ आपको सबमिट करना है, उससे पहले आपको सबमिट नहीं करना है वरना प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर इससे पहले आपने सबमिट कर दिया तो मानो आपका पूरा पेपर ही सबमिट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस रीड आउट फिर से नहीं कर सकते हैं। तो सबमिट सबसे लास्ट में कीजिएगा और सबमिट करिएगा जरूर, ये नहीं कि बस ऐसे ही क्वेश्चन
यानी कंप्यूटर पे छोड़कर चले आए, सबमिट नहीं किया। फाइनल सबमिशन ये होता है जो आपको लास्ट में करना होता है, तो इस बात का ध्यान दें। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ हम सबमिट कर देते हैं और देखते हैं कि हम कितना अचीव कर पा रहे हैं। यहाँ देखिए पेज ओपन हो रहा है जहाँ हम देखेंगे कि हम कितना अचीव कर पा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने 30 out of 30 यानी पेडागोजी के सिर्फ और सिर्फ हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिसमें से हमारे सभी 30 क्वेश्चंस सही हैं। तो हमारे सभी क्वेश्चंस क्या थे? सही थे। तो इस तरह आपको डेली मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिससे आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो सके। जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ध्यान से पढ़िए। कोई डाउट है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से आप कितने सही क्वेश्चंस कर पाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।